आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे डोंट ब्रीथ 2 मूवी के बारे में। अगर आप लोगों ने इसकी फर्स्ट मूवी नहीं देखी यानी डोंट ब्रीथ 1 जो 2016 में आई थी, अगर वो नहीं देखी तो आपसे अनुरोध है जाके वो देख लें ताकि आप इस बुढ़ऊ का इतिहास समझ पाएं और इस करेक्टर को समझ पाएं कि एक्चुअल में कितना ज्यादा खतरनाक है। वैसे फर्स्ट मूवी देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप सेकेंड मूवी से अच्छे से रिलेट कर पाए। क्या मैंने सेम बात दो बार अलग अलग तरीके से बोल दी है? और अब इस मूवी की कहानी के ऊपर आते हैं। एक बूढ़ा इंसान जो अंधा है अपनी बेटी के साथ रह रहा है और इसके साथ एक कुत्ता होता है। अब इसके घर पे बिन बुलाए मेहमान पहुंच जाते हैं। अब अपने बच्ची को अपने आप को ये कैसे बचाता है, ये सारी चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई हैं। केवल इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। फर्स्ट मूवी देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस बूढ़े इंसान ने कितनी ज्यादा घिनौनी हरकतें कर रखी हैं। सेकंड मूवी में विलन प्लस हीरो इस दोनों का किरदार इसने निभाया है। तभी मैंने कहा कि एक्चुअल में आप लोगों को इसके बारे में जानने के लिए तो फर्स्ट मूवी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका भयानक रूप असली रूप फर्स्ट मूवी के अंदर दिखाया गया है। इस मूवी में स्क्रीन प्ले एक्शन काफी ज्यादा बढ़िया लगे मुझे। और जब ये सेकंड मूवी खत्म हो जाएगी तो आपके अंदर ये इच्छा होगी कि यार इसका क्या अगला पार्ट आएगा, बट नहीं, जो एंडिंग है जिस तरीके की एंडिंग की गई है उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि इसका थर्ड पार्ट आएगा। और केवल इस मूवी के अंदर यानी इसके सेकंड मूवी के अंदर इतनी ही स्टोरी नहीं है कि इसके घर पे कुछ बिन बुलाए मेहमान पहुंच जाते हैं, अब ये कैसे बचाता है। इसके अलावा इसमें कुछ सस्पेंस भी है, थोड़ी बहुत स्टोरी इसके अंदर ऐड की गई है। खैर वो तो जब आप ये मूवी देखोगे तभी पता चलेगा। स्टीफन लैंग जिन्होंने ये ब्लाइंड मैन का किरदार निभाया है काफी ज्यादा दमदार लगे हैं, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी है मुझे। जैसे इनकी मसल्स हैं, एक्शन है, मारने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और एक अंधा इंसान कैसे अपने आप को और अपनी बच्ची को बचाता है ये देखने वाली चीज होती है। जैसे इसके अंदर दिखाया गया ये जो ब्लाइंड मैन है इसको मतलब अपनी बाकी स्किल्स का बहुत ज्यादा यूज करता है कि सुनने की शक्ति को लेकर, महसूस करने को, सूंघने को लेकर, हर चीज को इतना चौकन्ना रहता है। ये वाली जो चीज है ना इसका जो हाइप क्रिएट कर देती है कि भाई ये बूढ़ा इंसान है। मतलब पूरे अगर देखें पूरी इस मूवी को ध्यान से, इन दोनों मूवीज को अगर ध्यान से देखें, देखो फर्स्ट मूवी तो काफी अच्छी है लेकिन सेकंड मूवी के अंदर देखें तो पूरा का पूरा जो डिपेंडेंस है इसी इंसान के इसी एक बीमारी के ऊपर, या बीमारी या कहें कि जो अंधा हो चुका है इसी के ऊपर डिपेंड है कि अब अंधा होने के बावजूद ये कैसे अपने आप को बचाएगा, अपनी बच्ची को बचाएगा, या फिर बचाएगा ही नहीं बल्कि उनको मारेगा भी। ये जो चीज है इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और इवन जैसा इसका लुक दिखाया गया है इस मूवी के अंदर या दोनों मूवीज के अंदर, जब ये जो लोग जाते हैं इसके घर में एंटर करते हैं, डर इनसे नहीं लगता कि ये लोग अब क्या करेंगे, कैसे इनको मारेंगे, किडनैप करेंगे, जो भी है। डर इस चीज से लगता है कि वो बूढ़ा इंसान जैसा लुक है उसका, वो इनके साथ क्या करेगा। और वास्तव में लगता है। अब देखो यार, पहली मूवी देखने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा ये कि आप लोगों ने इसको पहले नहीं देखा हुआ है तो जब आप इसको नई नई बात मतलब कोई चीज नई नई बार देखते हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और एकदम आपको ये डरावनापन लगेगा, एक्चुअल में लगेगा। ये इंसान का साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि नई नई चीजों की तरफ हम काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो चीज थोड़ी बहुत पुरानी हो जाती है तो हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ कम हो जाता है। और इसका नुकसान यही है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट मूवी नहीं देखी है तो एक्चुअल में ये जो ब्लाइंड मैन है इसका करेक्टर कैसा है वो समझ नहीं पाओगे। तो आपको अगर मूवी अच्छे से देखनी, अच्छे से समझ नहीं है और एक्चुअल में डर महसूस करना है तो फर्स्ट मूवी देखना बहुत जरूरी है। जहां पर एक्चुअल जो इसका फेस है, जब बार-बार एक्चुअल बोल रहा हूं मैं, जो रियल बात तो होगी ना, जो रियल फेस है इसका वो आपके सामने रखा गया है फर्स्ट मूवी के अंदर। अब अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट मूवी और सेकंड मूवी को, देखो फर्स्ट मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, उसकी स्टोरी भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। सेकंड मूवी के अंदर देखें तो यार स्टोरी में वीकनेस हमें नजर आती है। बस हाँ, एक तरीके से देखा गया है कि एक बच्ची इसके साथ रह रही है, अब यहां पर वो बच्ची की रक्षा कर रहा है, अब तो ये वाली थोड़ी बहुत हमें कहानी निराश कर देती है, बट थोड़ा बहुत सस्पेंस रखा गया है। बट इसकी पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ सिर्फ इस ब्लाइंड मैन की एक्शन और थ्रिल और हॉरर इन्हीं के ऊपर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मूवी काफी ज्यादा खराब है, मूवी अच्छी है। मैंने कंपेयर किया फर्स्ट मूवी से, फर्स्ट मूवी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी लेकिन मूवी देखने लायक है। इसके एक्शन कहीं कहीं जो ऐसे हैं कि ये आपकी सांसें तक रोक देगी। जैसे डोंट ब्रीथ है, वो डोंट ब्रीथ इसलिए है, फर्स्ट मूवी में मुझे लगता है कि वो नाम काफी अच्छा लगता है क्योंकि सांसों तक को भी सुन सकता है कि हाँ कौन कहां छुपा हुआ है, वो सांस कैसे ले रहा है। मेरी तरफ से इस मूवी को देना चाहूंगा 7/10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। हाँ, अब ये वाली तो एक चीज रहेगी कि क्या ये हिंदी में अवेलेबल है। हाँ, ये हिंदी में अवेलेबल है। वॉयलेंस काफी ज्यादा है तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर जिन्होंने देखी है इस मूवी को, इसके दोनों ही मूवी देख रखी है, फर्स्ट मूवी सेकंड मूवी, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो फर्स्ट मूवी देखें, सेकंड मूवी लगी हुई है जाकर उसको भी देखें, इंजॉय करें। लेकिन अकेले ही जाना पड़ेगा, बच्चे इसके साथ मतलब अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों के साथ मत जाएं इसको देखने। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।